सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल पटेल फ्रॉम ट्रिपल आई टी कॉलेज। एंड गाइस, आज हम कॉलेज रिव्यू करेंगे HPTU का। गाइस, बात करेंगे इस वीडियो में इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में, क्या अच्छी बातें हैं या क्या खराब बातें हैं इस कॉलेज के बारे में। साथ में बात करेंगे यहाँ की हॉस्टल लाइफ के बारे में, फैकल्टी के बारे में, यहाँ की क्या रैंकिंग है। साथ में बात करेंगे कट ऑफ ऑफ 2019, मीन्स एवरीथिंग जो भी इस कॉलेज के बारे में आपको जानने की जरूरत है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड साथ में कंपेयर करेंगे इस कॉलेज को विद IITs एंड NITs। तो गाइस, इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट से देखें अगर आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी टाइप की कॉलेज रिव्यू वीडियो मैं काफी बना चुका हूं एंड काफी वीडियो इसके बाद आने वाली है। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाउ गाइस, बात करें ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की, तो गाइस ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1921 में। एंड गाइस, दिस इज ए वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। एंड गाइस, ये आपका सेवंथ इंजीनियरिंग कॉलेज था जो कि इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ। तो गाइस, काफ़ी पुराना कॉलेज है। एंड गाइस, काफ़ी नाम है इस कॉलेज का अगर आप इंडिया में बात करेंगे, स्पेशली यूपी में तो काफ़ी नाम है। नाउ गाइस, बात करें कनेक्टिविटी की, तो गाइस किस तरीके से आप इस कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। तो गाइस, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है गाइस वो है आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इस कॉलेज से 79.2 किलोमीटर दूर है। एंड गाइस, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि इस कॉलेज से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। नाउ गाइस, बात करें इस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में, तो गाइस इंडिया टुडे ने इन 2018 इसको 20th रैंक पे रखा है। आउटलुक ने इन 2017 25th रैंक पे रखा है। एंड बीक ने इन 2017 इसको 54th रैंक पे रखा है। एंड इन 2016 उसने 52 रैंक पे रखा है। तो गाइस, अगर इसकी रैंकिंग को देखें तो गाइस इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी कॉलेज से। नाउ गाइस, बात करें इस कॉलेज के कैंपस एरिया की, तो गाइस कैंपस एरिया इसका काफ़ी बड़ा है। गाइस, ये स्प्रेड है आपका दो कैंपसेस में। पहला कैंपस आपका है ईस्ट कैंपस जो कि 77 एकर्स का है। एंड गाइस, दूसरा है आपका बेस्ट कैंपस जो कि आपका 271 एकर्स में है। एंड गाइस, ये दोनों कैंपस आपके रफली 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। नाउ गाइस, बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की, मीन्स गाइस इस कॉलेज में आप किस तरीके से एडमिशन पा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो यार अपना प्यारा दुलारा एग्जाम दीजिए जो कि आपका जेई मेंस। एंड सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा HPTU कानपुर काउंसलिंग के लिए। मतलब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि गाइस क्या ये जोसा काउंसलिंग के अंडर में आता है। तो गाइस, यहाँ पर मैं ये डॉट क्लियर करना चाहूँगा कि ये जोसा काउंसलिंग के अंडर में नहीं आता है। गाइस, इसकी काउंसलिंग के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है जो कि आपकी HPTU कानपुर काउंसलिंग। तो गाइस, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा, ये जोसा काउंसलिंग के अंदर में नहीं आता है। एंड गाइस, जो एडमिशन होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ जेईई रैंक होता है। नाउ गाइस, बात करें HPTU के सीट मैट्रिक्स की, तो गाइस ये HPTU का सीट मैट्रिक्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांच पे कितने नंबर ऑफ सीट्स ये कॉलेज हर साल ऑफर करता है। नाउ गाइस, बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो गाइस सबसे पहले बात करें इंस्टीट्यूशन फ़ी की। तो गाइस, जो इंस्टीट्यूशन फ़ी है इसकी पर ईयर गाइस वो है 1,35,000। एंड बात करें हॉस्टल फ़ी की, तो गाइस हॉस्टल फ़ी पर ईयर है इस कॉलेज की 61,000। नाउ गाइस, बात करें यहाँ के हॉस्टल्स की, तो गाइस हॉस्टल्स यहाँ के ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, मीन्स गाइस एवरेज हैं, मीन्स गाइस काम चल जाएगा। एंड जो टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल्स हैं गाइस वो हैं यहाँ पर 12, जिसमें से 8 हॉस्टल्स बॉयज़ के लिए हैं एंड गाइस 4 हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए हैं। एंड आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 सीटर रूम लेना चाहते हैं, 2 सीटर रूम लेना चाहते हैं, 3 सीटर रूम लेना चाहते हैं। एंड गाइस, मेरे हिसाब से आपको 1 सीटर रूम लेना चाहिए क्योंकि गाइस थोड़ी सी प्राइवेसी बनी रहती है। नाउ गाइस, बात करें यहाँ की कल्चर फेस्ट की, तो गाइस कल्चर फेस्ट का नाम है अध्याय। एंड गाइस, इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं लाइक आपका टेक टॉक्स, रोबो गेम्स, टेक एक्सपो, गेम्स ऑफ कोड्स, फैशन शोज, सेलिब्रिटी नाइट, डीजे नाइट, सरगम, ओपन माइक एंड HPTU's गॉट टैलेंट, मीन्स काफ़ी सारे इवेंट होते हैं। एंड गाइस, काफ़ी अच्छा कल्चर फेस्ट होता है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी कॉलेज से। तो गाइस, काफ़ी अच्छा इवेंट होता है। एंड गाइस, काफ़ी एन्जॉयमेंट इस फेस्ट में होता है। एंड गाइस, बात करें क्लब्स की, तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे क्लब्स हैं लाइक आपका लिटरेरी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चर क्लब, फोटोग्राफी क्लब, योगा क्लब एंड हॉबी क्लब एंड NSS। तो गाइस, काफ़ी क्लब्स हैं। तो गाइस, आप अपनी चॉइस के या अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग इन क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ गाइस, बात करें क्लोजिंग कट ऑफ 2019, मीन्स गाइस आपकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए जिससे कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो गाइस सबसे पहले बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए, तो गाइस उसके लिए क्लोजिंग कट ऑफ थी 14,573। एंड गाइस, बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो गाइस उसके लिए क्लोजिंग कट ऑफ थी 24,902। एंड बात करें AWS के लिए, तो गाइस उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग कट ऑफ थी आपकी 24,543। एंड गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्लोजिंग कट ऑफ थी 31,289। नाउ इस बात करें OBC कैटेगरी के लिए, तो गाइस उसमें कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग कट ऑफ थी 24,505। एंड गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्लोजिंग कट ऑफ थी 32,221। नाउ इस बात करें SC कैटेगरी के लिए, तो गाइस उसमें कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग कट ऑफ थी 67,998। एंड गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लोजिंग कट ऑफ थी 1,49,274। नाउ गाइस, बात करें ST कैटेगरी के लिए, तो गाइस उसमें कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग कट ऑफ थी 56,232। एंड गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लोजिंग कट ऑफ थी
267,038। तो गाइस ये आपकी कट ऑफ थी। एंड लोग इस बात करें प्लेसमेंट्स की, तो गाइस प्लेसमेंट्स इस कॉलेज के काफ़ी अच्छे रहे हैं अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कॉलेज से, क्योंकि इस पिछले 2-3 साल में इसके प्लेसमेंट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। तो गाइस सबसे पहले बात करें 2019 एंड 20 की, तो गाइस सबसे पहले बात करें हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड की, तो गाइस वो है इसका 43.5 लाख पर एनम, जो कि इस साल माइक्रोसॉफ्ट में ऑफर किया है। एंड गाइस जो एवरेज प्लेसमेंट है सभी ब्रांचेस का गाइस वो है इसका 6.46 लाख पर एनम। नाउ गाइस बात करें 2018 एंड 19 के प्लेसमेंट्स की, तो गाइस हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर था 37 लैक्स, एंड गाइस जो एवरेज पैकेज था गाइस वो था आपका 6.08 लैक्स पर एनम। तो गाइस हाईएस्ट पैकेज में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड गाइस एवरेज पैकेज लास्ट ईयर की तरह ही रहा है इस साल भी। नाउ गाइस ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहाँ पर हम बात करेंगे कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो गाइस बात करते हैं कुछ बैड थिंग अबाउट HPTU। तो गाइस में सबसे पहली चीज़ है फैकल्टी। गाइस इस कॉलेज की फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि गाइस आप सोच रहे हो कि गाइस काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी वेल नोन कॉलेज है, तो गाइस यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी हुई है। तो गाइस आप गलत हैं, क्योंकि गाइस यहाँ की फैकल्टी इतना अच्छा नहीं पढ़ाती है, आखिर में आके पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। एंड एक चीज़ और मैंने नोटिस की इस कॉलेज में, गाइस पहले जो फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाती अच्छा नहीं है, एंड गाइस साथ में यहाँ पर फैकल्टी सपोर्टिव नहीं है टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट। क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने काफ़ी कोरा पे आंसर पढ़े, तो उनमें मैंने पाया कि यहाँ पर फैकल्टी पहले जो अच्छा पढ़ाती नहीं है, सेकंड थिंग यहाँ पर वो स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि प्रॉब्लम की तरह देखता है, मीन्स गाइस उनके साथ काफ़ी रूड बिहेवियर किया जाता है फैकल्टी के द्वारा। तो गाइस ये चीज़ इस कॉलेज में अच्छी नहीं है, एंड गाइस एक तो फैकल्टी अच्छी है, एंड गाइस बाकी फैकल्टी इसी प्रकार की है इस कॉलेज में। नाउ सेकंड थिंग जो इस कॉलेज के फेवर में नहीं जाती है और जो इस कॉलेज के लिए अच्छी नहीं है गाइस वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बुरा है, क्योंकि गाइस काफ़ी पुराना कॉलेज है, एंड गाइस काफ़ी पुराने कॉलेज होने की वजह से जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गाइस पुराना ही है, काफ़ी इंप्रूवमेंट नहीं किए गए हैं उसमें, एंड उसका मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं किया गया, जिसकी वजह से यार चाहे आप बात करें हॉस्टल की, चाहे आप बात करें मेन कैंपस की, चाहे आप बात करें यहाँ के प्लेग्राउंड्स की, गाइस सभी की कंडीशन काफ़ी बुरी है। एंड इस वजह से आई थिंक सो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ इसके फेवर में नहीं जाती है। नाउ गाइस बात करें एजुकेशन करिकुलम की, क्योंकि इसका एजुकेशन करिकुलम भी इसके फेवर में नहीं जाता है, क्योंकि इसका जो एजुकेशन करिकुलम 2020 में फॉलो होता है वही गाइस इसका फॉलो होता था 1995 में, मीन्स गाइस 25 साल से इसका जो एजुकेशन करिकुलम है वो चेंज ही नहीं किया गया है। एंड साथ में पिछले कुछ सालों में कुछ बेकार या नॉनसेंस सब्जेक्ट लाइक ह्यूमनिटी सब्जेक्ट और ऐड कर दिए गए हैं, एंड जो आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं जिनके लिए आपको जॉब मिलेगी या जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, उनको हटा के ह्यूमनिटी सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो गाइस जो उसका एजुकेशन करिकुलम है वो काफ़ी गंदा है, एंड गाइस उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की मेरे हिसाब से ज़रूरत है। नाउ गाइस बात करें सोसाइटीज़ एंड फेस्ट की, तो गाइस ये चीज़ भी इस कॉलेज के फेवर में बिल्कुल नहीं जाती है, क्योंकि इस पहली चीज़ जो नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ हैं इस कॉलेज में वो काफ़ी कम है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कॉलेजेस से। एंड गाइस सेकंड थिंग फेस्ट, तो गाइस यहाँ पर जो फेस्ट होते हैं बड़े होते हैं बट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय द स्टूडेंट्स, एंड गाइस उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है बाय द इंस्टीट्यूशन, एंड गाइस साथ में सपोर्ट करने की जगह पर इंस्टीट्यूशन और अपोज करते हैं। एंड गाइस वो अगर फेस्ट में कोई बॉय एंड गर्ल साथ में डुएट परफॉर्म करना चाहते हैं तो गाइस वो उसको भी मना कर देते हैं। एंड गाइस अगर कोई इंटर कॉलेज फेस्ट हो रहा है तो गाइस उसमें भी इंस्टीट्यूशन द्वारा सभी स्टूडेंट्स को मना कर दिया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एंड गाइस इसमें थोड़ा रिलीफ दिया जाता है जब स्पोर्ट्स फेस्ट आते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि आप जाके पार्ट लीजिए, बट उस टाइम पे जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं या जो फैसिलिटीज़ होती है गाइस वो काफ़ी बुरी प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि इस कॉलेज की प्रॉब्लम है। नाउ गाइस फिफ्थ रीज़न है सो मच रिस्ट्रिक्शन। गाइस इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड गाइस सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन अगर मैं बात करूँ हॉस्टल टाइमिंग, तो गाइस 8 बजे के बाद गर्ल्स को हॉस्टल के बाहर घूमना अलाउ नहीं है, एंड गाइस सिमिलरली बॉयज़ के लिए 9 बजे के बाद हॉस्टल के बाहर जाना अलाउ नहीं है। एंड गाइस कॉलेज काफ़ी बड़ा है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफ़ी बड़ा कैंपस है, एंड गाइस बट गाइस काफ़ी प्लेसेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट को अलाउ नहीं है जाना। तो गाइस इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है इस कॉलेज में अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कॉलेज से। तो गाइस ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। नाउ गाइस बात करें कुछ अच्छी बातें जो कि HPTU के बारे में हैं जिनकी वजह से आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो गाइस इसमें सबसे पहली चीज़ है आपका अमेजिंग प्लेसमेंट। गाइस पिछले 2-3 साल में इसके प्लेसमेंट्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, एंड गाइस मेरे हिसाब से इन फ्यूचर भी इसके प्लेसमेंट्स और अच्छे होंगे। तो गाइस एक चीज़ इसके फेवर में जाती है कि गाइस इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। गाइस सेकंड थिंग जिसकी वजह से आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए गाइस वो है आपका सपोर्टिव स्टूडेंट्स। गाइस चाहे आप बात करें यहाँ के सीनियर्स की, चाहे आप बात करें यहाँ के अपने बेस्टमेट्स की, गाइस सभी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे आपके हर एक ईयर में गाइस, जो कि इस कॉलेज की सबसे बेस्ट चीज़ है। गाइस चाहे आप अपने प्रोफेसर को इन 4 साल के बाद याद ना रखें, बट गाइस अपने सीनियर्स को एंड गाइस अपने बेस्टमेट्स को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है
स्टूडेंट्स के बीच में गाइस वो बहुत अच्छा है, जो कि गाइस आपको बाकी कॉलेज में नहीं मिलेगा। गाइस थर्ड थिंग, बिग कैंपस। गाइस ऑलरेडी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि गाइस इस कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, एंड गाइस जो चीज़ इस कॉलेज के फेवर में आती है मीन्स गाइस आप आराम से कॉलेज में घूम सकते हैं, एंड गाइस काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं क्योंकि गाइस कैंपस काफ़ी बड़ा है। गाइस फोर्थ थिंग, लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। जो जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यार टीचर्स से वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो गाइस इस वजह से आपके पास काफ़ी फ्री टाइम है, तो गाइस इस फ्री टाइम को आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप कुछ भी सीख सकते हैं, लाइक आप बैक डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं, या फिर आपकी कोई हॉबी है उसको आप डेवलप कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं इस फ्री टाइम में। तो गाइस ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, आई थिंक सो आपको क्लियर होगा कि गाइस क्या है HBTU, गाइस आपको एडमिशन इस कॉलेज में लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड आई थिंक सो मैंने हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर की है। एंड गाइस अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या चीज़ मिस हो गई है मुझसे, एंड बताएं कैसा लगा कॉलेज रिव्यू वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि गाइस इसी टाइप की कॉलेज रिव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ एंड काफ़ी और वीडियो आने वाली हैं। सो इसी के साथ बाय बाय।